हाय दोस्तों, मैं हूं बिमल मिंज। उम्मीद करता हूं आप लोग मजे में होंगे। मिंज टूर एंड ट्रैवल की ओर से, उस परिवार की ओर से मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल में। तो मैं आज बताने जा रहा हूं कि जेरूसलम टूर के लिए जब हम लोग जाने की तैयारी करते हैं तो किन किन चीज़ों को ध्यान देते हैं, कैसे कैसे तैयारियां करते हैं, किन चीज़ों को करना है, किन चीज़ों को नहीं करना है, क्या लेना है क्या नहीं लेना है, और उस तरफ जब हम लोग वहां जाते हैं तो चारों देशों में कैसे कैसे क्या क्या करते हैं, ताकि आप लोगों को मदद मिल जाए। हो सकता है आप लोगों का भी कुछ ऐसा सवाल होगा जो मन में कौंधता रहता होगा कि वहां कैसे करेंगे, क्या करेंगे, किस तरह से चलेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग जब किसी गेस्ट को जब लेके जाते हैं तो लोग पूछना चाहते हैं कहाँ कहाँ से लेके जाते हैं। तो मैं बताना चाहता हूँ कि हम लोग चर्च में अनाउंसमेंट कराते हैं, सभी चर्च में अनाउंसमेंट कराते हैं, और वहाँ से काफ़ी लोग निकल के आते हैं, और बिशप लोग और फादर लोग भी हमारे साथ होते हैं। अब दूसरा सवाल है कि लोग पूछना चाहते हैं कि कितना खर्च होता है। तो दोस्तों, हर साल महंगाई दर के हिसाब से कभी पिछले 3-4 साल पहले लोग 80,000 में या 90,000 में भी चले जाया करते। उधर जॉर्डन, इज़राइल और इजिप्ट में किस तरह से होटल का चार्जेस है और एयरलाइंस जो इंटरनेशनल है उसका सेटअप कैसे है, तो उस पर डिपेंड करता है। अब दोस्तों, हम लोग पासपोर्ट और वीज़ा का चार्ज करते हैं। लोगों को अक्सर सवाल रहता है कि पासपोर्ट क्या है, वीज़ा क्या है, और दोनों कहाँ कहाँ बनेगा, कहाँ से मिलेगा। तो मैं बताना चाहता हूँ कि पासपोर्ट और वीज़ा दोनों सरकारी दस्तावेज है, दोनों को हम लोगों को अप्लाई करना रहता है। पासपोर्ट है कि एक हार्ड कॉपी रहेगा जो पासपोर्ट आप बना सकते हैं, और ज़्यादातर 1,500 रुपये में वो बन जाया करता है, और वो पासपोर्ट लोग चाहते हैं कि 10 सालों के लिए हो तो 10 सालों के लिए भी रहता है, और लेकिन 18 से कम उम्र वालों के लिए 5 साल का दिया जाता है, बाद में वो फिर बढ़ा दिया जाता है, एक्सटेंड कर देते हैं। लेकिन अब देखा जाए तो वीज़ा की बात, तो अब वीज़ा कैसे करेंगे। वीज़ा पासपोर्ट के ऊपर लगने वाला दस्तावेज होता है, उसमें ये ब्यौरा रहता है कि आप क्यों जा रहे हैं और कितने दिनों के लिए जा रहे हैं किसी देश में, क्योंकि वीज़ा हर देश का अलग अलग होता है। क्योंकि अगर अमेरिका जाते हैं तो उसका प्रोसेस होता है, और इज़राइल जाते हैं तो उसका अलग होता है जैसे हम लोग करते हैं, और जो लोग थाईलैंड और मलेशिया जाते हैं, सिंगापुर जाते हैं, दुबई जाते हैं, तो सबका अलग अलग होता है, चार्जेस भी अलग होते हैं, और कितने दिनों के अंदर में बन जाएगा, कितने दिनों के लिए आप जा रहे हैं, वो सारा चीज़ उसमें उसका ब्यौरा होता है। ज़्यादातर जब टूरिस्ट वीज़ा के लिए लोग कहीं निकलते हैं टूरिस्ट वीज़ा में घूमने के लिए, तो वो 3 महीनों का होता है। तो दोस्तों, अब अगला सवाल रहता है कि जब हम जेरूसलम में जाते हैं तो क्या क्या खरीद के ला सकते हैं, कितना पैसा लेकर के जाने से ठीक रहेगा। तो दोस्तों, वहाँ इज़राइल, जॉर्डन में और बाकी देशों में जहाँ हम लोग जाते हैं, इजिप्ट वगैरह में, तो वहाँ पर हमारा इंडियन रुपीज़ नहीं चलता है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं डॉलर्स में लेकर जाते हैं, और एक बंदा पर हेड के हिसाब से $300 तो रहना चाहिए लगभग में, वो 70-75 से आप गुना कर दीजिए $300। तो आदमी ज़्यादा लेना चाहते हैं तो $3,000 भी लेके जा सकते हैं, उससे ज़्यादा तो नहीं। और वहाँ से लाने के लिए जब जेरिको जाते हैं, चाहे गांधीनगर जाते हैं, बेथलेहम, जेरूसलम जाते हैं, तो बहुत ही सारी चीज़ें जैसे कि दागस है, फिर ऑलिव ऑयल है, जैतून का तेल, तो उसके बाद में धार्मिक वस्तुएं हैं, उसके बाद में खजूर बहुत मशहूर है, इस तरह से आप बहुत सारी चीज़ें उठा के ला सकते हैं जो यहाँ नहीं मिलता है। और साथ ही साथ जो $300 से $400 पर हेड के हिसाब से आप लेके जाते हैं, तो वो वापस आकर के आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन जब वहाँ पर आपको कहीं घट ना जाए, इसलिए लोगों को लेकर के जाना चाहिए। तो बहरीन में जब हम लोग इंटरनेशनल एयरपोर्ट से होते हुए जाते हैं आगे, और लौटने समय में भी बहरीन से होते हुए आते हैं, अगर गल्फ एयरलाइंस है तो वहाँ पर भी ड्यूटी फ्री, मतलब बहुत सस्ता गोल्डन चेन और गोल्डन चीज़ें मिल जाती हैं, मोबाइल वगैरह, आप आईफोन वगैरह सब कुछ लेना चाहते हैं तो जो सस्ता यहाँ पे 40-50 हज़ार में जो मिलता है वो आपको वहाँ 30-35 हज़ार में मिल जाएगा। और अबू धाबी भी हम लोग एयरपोर्ट कभी कभी टच करते हैं यदि हाल में जाते हैं तो। दोस्तों, और बोला जाए तो लोग अक्सर पूछना चाहते हैं कि अगर मैं बीमार हूँ तो मैं दवाइयों को खाता हूँ, उसको कैसे करना होगा, किस तरह से उस लेके जाएंगे, उसके साथ कुछ दस्तावेज लेना है क्या। हाँ जी, तो दवाइयाँ यदि खाते हैं तो आप शुगर, ब्लड प्रेशर या थायराइड या कोई भी तरह का दवाइयाँ अगर आप खाते हैं तो प्रेस्क्रिप्शन जो
उसको साथ में लेके चले वहाँ। कहीं कहीं कभी कभी लोग जांच करते हैं ये दवाई किस बात का है, तो वो जरूरी होता है ले जाना। उसके बाद में कौन कौन लोग जा सकते हैं, तो दोस्तों ज़्यादातर बुजुर्ग लोग जाते हैं, जो लोग रिटायर हो जाते हैं, अपने जीवन भर का जो जाने का इच्छा रहता है और साथ में पैसे भी होते हैं, तो वो लोग ज़्यादातर जा कर के आना चाहते हैं। और यदि कोई लोग 40 के ऊपर जाना चाहते हैं तो वो भी आ सकते हैं, लेकिन बहुत बार कोई यूथ अगर जाना चाहता है या चाहती है तो उन लोगों को इज़राइल बेसिकली नहीं देता है वीज़ा, उनका रिजेक्ट कर देता है। डिपेंड करता है कि इज़राइल किनको किनको अपने देश में आने देगा। तो हम लोग चूँकि ज़्यादातर केसेस में हम लोगों का सबका रिजेक्ट नहीं होता है, क्योंकि हम लोग ग्रुप में वीज़ा लेते हैं, विशेषकर इज़राइल का, और जॉर्डन वगैरह का तो हम लोग ऑन अराइवल ले लेते हैं वहाँ पहुँच करके ही। इसके बाद में दोस्तों कहाँ कहाँ घूम, दिल्ली से जब हम लोग जाते हैं तो बहरीन होते हुए या अबू धाबी होते हुए जब हम लोग अम्मान उतरते हैं, तो अम्मान में अम्मान मतलब जॉर्डन की राजधानी अम्मान है, अभी वहाँ माउंट नेबो जाते हैं जहाँ मूसा का देहांत होता है, और ईश्वर ने कहा था कि आप कनान देश मतलब प्रतिज्ञा देश जिसको मैंने तुम लोगों के लिए चुना है तुम उसको नहीं देख सकोगे। हम लोग मदाबा भी जाते हैं, तो मदाबा में करीब आज से 1700-1800 साल पुराना जब चर्चेस था जब, तो वो सब आज हम लोग देखते हैं। तो उसके बाद दूसरा दिन पेट्रा, ये कमल का जगह है दोस्त, यहाँ जिन लोगों को जाना चाहिए। कहा जाता है कि यहाँ आज से कई साल पहले ईसा के 1200 साल पहले ये बनाया गया था नबातियों के द्वारा, जो अपने राजधानी के लिए उसको प्रयोग करते थे, और वो पूरा मरघट मरुस्थल में पानी का इंतजाम बहुत ही तगड़ा था, मतलब 2006 में इसको लागू किया गया है 7 वंडर्स में से, जैसे कि हमारे देश में ताजमहल है अभी। उसके बाद में तो वहाँ घूम करके आते हैं, ज़बरदस्त जगह है वो पेट्रा, बहुत सुंदर है, आपको जाके आना चाहिए। हम लोग जब जाके लौटे हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है लोगों को बताते हुए, वो हम लोगों का टोटल कॉस्ट में वो आ जाता है। तीसरा दिन हम लोग इसराइल घुसते हैं, इसराइल का बॉर्डर मैंने बस में ही जाते हैं, तो इसराइल वहाँ एंट्री करते हैं। उसके बाद में नाजरेत, कानानगर, फिर कफरनहूम, गलीली झील और बाकी जगह को हम लोग घूमते हैं, तिबेरियस वगैरह सब, जहाँ यीशु ने खूब सुसमाचार का प्रचार किया था, जहाँ लोग उसको पसंद करते थे, और नाजरेत में तो उनका बचपन भी बीता था। तो अभी तो उसके हिसाब से अब देखा जाए तो उसके बाद में हम लोग बेतलहम है, फिर जेरिको है जो वर्ल्ड्स लोएस्ट टाउन है और लोएस्ट पॉइंट है आपका डेड सी, उसके बाद में आपका जेरूसलेम है, ओल्ड जेरूसलेम है, गिरसमानी बारी है, और जहाँ पर 3 बार पेतरुस मना करता है यीशु को कि मैं नहीं जानता इनको, तो वो सब जगह है, वो सब एकदम जीवित है। प्रभु दाऊद का मकबरा सब वहाँ पर है अभी, और किस तरह से जीवन शैली है यहूदियों का, तो वो सब देख करके हम लोग लौटते हैं। इसके बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं, इलियात होते हुए मिस्र की तरफ पहुँचते हैं, शर्मल शेख पहुँचते हैं, ताबा पहुँचते हैं, और इस तरह से माउंट सिनाई जहाँ पर सेंट कैथरीन्स मोनेस्ट्री बोलते हैं, मतलब वहाँ फादर लोग रख रखाव करते हैं, आज भी वो जगह है जो झाड़ी जहाँ ईश्वर ने दर्शन दिया था मूसा को, तो मूसा दशाज्ञाओं को वहीं से लेके आए थे। तो वो सब जगह अभी भी वहाँ देखने के लिए बहुत ही सुंदर है, लोग जाना चाहते हैं, बहुत ही सीनरम हर जगह है। उसके बाद में स्वेज कैनाल से होते हुए हम लोग मिस्र घुसते हैं। स्वेज कैनाल में तो इतना बड़ा नहर है कि गंगा नदी जैसा चौड़ा नदी है, और नीचे से सुरंग बना करके बहुत ही नायाब तरीके से वो रोड को बनाया गया है। गीजा का पिरामिड है वो देखेंगे, इसके अलावा मिस्र का जो कॉटन है कहा जाता है, अमिताभ बच्चन का जो कपड़ा आता है वह मिस्र का कॉटन पहनते हैं उसका कपड़ा है, और मिस्र का जो फेमस चीज़ है वो है आपका परफ्यूम फैक्ट्री, फिर पेपिरस, पेपिरस मतलब सरकंडा जैसा हमारे देश में होता है वैसे ही मिस्र में भी एक वनस्पति मैंने वो होता है जिसके जिससे पेपर बनाया जाता है। बताया जाता है कि बाइबल 5000 साल पहले लिखा गया था उन्हीं पेपिरस के कागजों से, तो वो आज भी मैंने वो डिस्ट्रॉय नहीं होता है, आज का कागज जिसमें हम लोग लिखते हैं वो तो डिस्ट्रॉय हो जाता है अभी। दोस्तों इस तरह से हम लोग घूम करके आते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग देख के आते हैं। और यदि आप देखिएगा तो हाँ टाइम की बात है, तो बस में जो आपको आपके लिए जो वेट करता है वहाँ 1-2 मिनट 10 मिनट अगर लेट हो जाता है हमारे कारण से, तो वो लोग फाइन करते हैं डॉलर्स में। तो
हम कुछ भी करते हो तो लेट नहीं होना चाहिए, सबके साथ एक साथ ग्रुप में यूनिटी में रहना चाहिए। और जो आपका टूर गाइड है वो उसका मैंने फॉलो जरूर करना चाहिए, वो जो भी बोले जैसे बोले आपकी सुरक्षा के लिए होता है, तो वो सब चीज़ है। और दोस्तों इंडियन टॉयलेट और इंटरनेशनल टॉयलेट जो यूरोपियन कमोड होता है उसको यूज़ कैसे करते हैं उसके विषय में भी हम लोगों को सीख के जाना चाहिए, क्योंकि मैंने इतने सालों में बहुत लोगों को जब देखा है जब उधर बड़े बड़े बढ़िया बढ़िया होटल्स में ठहरते हैं, रिजॉर्ट्स में ठहरते हैं, तो उनका को पार्टनर जो सेम रूम में रहता है उनको बड़ा दिक्कत होता है, क्योंकि आप बाथरूम को यूज़ करना ठीक से नहीं जाने। तो वो सब चीज़ को हम लोगों को सीख के करके जाना चाहिए, अगर नहीं जानकारी हो तो उससे उसकी जानकारी जरूर मैंने सीखना चाहिए, किसी न किसी से पूछना चाहिए। तो ये वो चीज़ें हैं जो मुझको लगा कि ये आपको जानना चाहिए, इसलिए मैंने इसे आपके लिए बनाया है। तो मीट टूर एंड ट्रैवल आपके लिए ऑर्गेनाइज करता है टूर जॉर्डन, इसराइल, पैलेस्टाइन और इजिप्ट में 11 दिनों के लिए, तो वो बहुत ही ज़बरदस्त होता है। और साथ ही साथ वेलंकनी टूर को हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं जो इंडिया में होता है, और साथ ही साथ यूरोप के लिए भी स्विट्जरलैंड होता है, फ्रांस होता है, पुर्तगाल, स्पेन और आपका मिलान, इटली, रोम, तो इस तरह से हम लोग होकर के आते हैं। और यदि आप में से कोई लोग अगर आना चाहते हो तो आप लोग ज़रूर हमारे साथ ज्वाइन हो सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार होता है, मतलब अच्छा लगता है। और अब अनाउंसमेंट है कि नेक्स्ट हम लोग जब कब जाने वाले हैं तो उसकी जानकारी मैं आपको दे दूँ। 7 से 17 अक्टूबर का इस 2021 में हम लोग डेट फिक्स किए हुए हैं। अभी हमारी सरकार और बाकी देश जहां हम लोग जाना चाहते हैं वो लोग अगर अप्रूव करें तो वीज़ा हम लोगों को मिल सकता है, और अगर नहीं मिले तो हम लोग नेक्स्ट 2022 के हो सकता है मार्च अप्रैल में हम लोग चलेंगे, क्योंकि मई महीने में तो जाना ही है, मई महीने में संख्या ज़्यादा होगी, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि 2020 में जून महीने में 2 तारीख को हम लोग को जाना था तो उसका भीड़ ऑलरेडी हमारे पास में है, उनके पैसे आ चुके हैं। अब जो कमिंग पिछले 1.5-2 साल में बहुत सारे लोग जाना चाहते थे लेकिन अब वो लोग जा नहीं पाए हैं, तो अब भीड़ वो लोगों का बढ़ेगा ही, तो वो सब 2022 में जुड़ेंगे। तो आपके पास यदि पासपोर्ट है और आप नाम देना चाहते हैं तो आप ज़रूर अपना नाम दे दें, हम मैं अपना डिस्क्रिप्शन में उसको डाल दूँगा और आप उसको उसमें से देख करके संपर्क कर सकते हैं, और हमारे वीडियो को इस पर कमेंट करें कि और इसमें ये कैसा लगा और कुछ जानना चाहते हैं तो वो चीज़ आप जरूर कमेंट करके पूछ लें, मैं ज़रूर बताऊंगा। शेयर कीजिए जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो देखें और फिर उनको समझ में आए कि हाँ हम लोग को भी जाना चाहिए और